महिला पुरुष तो समाज में बराबर है ना, तो फिर हिस्सा किस चीज का? बहुत लोगों को लगता है महिलाएं कमजोर हैं इससे उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है। तो मैं एक चीज बस कहना चाहूंगी कि इसे इस वे में ना लिया जाए कि विमेन है तो इनकी डेवलपमेंट, ऑफकोर्स डेवलपमेंट के लिए है, बट एक पिछड़ा हुआ जेंडर है तो लाइक उस वे में एक सपोर्ट सिस्टम बन के गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप आया नहीं। महिला अगर चाहे तो वो खुद ही शक्तिशाली, इतना है उसको कोई अधिकार का कोई जरूरत नहीं है। संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया, एक बड़ा जो सरप्राइज है वो महिलाओं को मिला, वो था महिला आरक्षण बिल, जिसके तहत बता दें आपको कि आज संसद के विशेष सत्र में जब इस पर बहस होगी, ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा, तो इस प्रस्ताव को अगर पारित कर लिया जाता है तो ये एक कानून बन जाएगा जिसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो मिलेगा। ऐसे में महिलाओं से जानना बेहद ही ज़रूरी है कि क्या सोचती हैं, कितनी खुशी इस फैसले से और किस तरीके से इस फैसले के बाद महिलाओं को जो है बड़ा हेल्प मिल सकता है। इस वक्त हम राजधानी पटना के पटना वुमेन्स कॉलेज के पास मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लड़कियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है मोदी सरकार ने जो फैसला लिया, ये अगर बिल पास हो जाता है 33% जो आरक्षण है महिलाओं को सदन के भीतर भी मिलेगा, कैसे देखती है? इस चीज़ को मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ठीक है, अभी जैसा कि हम सबको पता है कि कल ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है और अगर आज अप्रूवल मिल जाता है तो 33% रिजर्वेशन विल बी गिवन टू वुमेन, और ये कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड डिसीज़न है, डिज़र्विंग डिसीज़न है, आई वुड लाइक टू यूज़ वर्ड डिज़र्विंग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रोमिनेंट वीमेन लीडर्स हैं जो कि फ्रंट फुट से पॉलिटिक्स में अपना फुटस्टेप्स देती रही हैं, चाहे हम अगर प्रेजेंट ये की बात करें तो खुद संसद में अभी स्मृति ईरानी है, हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये जो रिजर्वेशन है ये हमें दिया गया है। तो मैं एक चीज़ बस कहना चाहूँगी कि इसे इस वे में ना लिया जाए कि विमेन हैं तो इनकी डेवलपमेंट, ऑफकोर्स डेवलपमेंट के लिए है, बट एक पिछड़ा हुआ जेंडर है तो लाइक उस वे में एक सपोर्ट सिस्टम बन के गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप आया नहीं। बीइंग वेमेन एवरी वन डिजर्व दिस, वी डिजर्व दिस, और ये हम मतलब जो औरतें हैं ये प्रूव करती आई हैं हमेशा से, तो ये एक ये चीज़ें हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट को और सोचना चाहिए, और भी चीज़ें हैं एम्प्लॉयमेंट रेट में कैसे महिलाओं के लिए, इनफैक्ट इक्वल वेजेस की भी अगर बात करें तो कैसे महिलाओं के हित में काम किया जाना चाहिए, तो अगर हम बात पहले से करें या आज के दिनों की करें तो औरतों ने हमेशा खुद को प्रूव किया है, तो ये जो दिया जा रहा है एज अ रिजर्वेशन तो हो सकता है कि अब बात की जाए कि ये तो इक्वालिटी पे क्वेश्चन होगा, पर नहीं, हमें आज हमें ये सब मिलना शुरू हुआ है, पर इसके लिए जो महिलाएं हैं खुद को हमेशा प्रूव करती आई हैं, तो ये एक डिजर्विंग स्टेप है, और मैं लुकिंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू से कि ऐसे और भी स्टेप्स आते रहने चाहिए टू शो द सोसाइटी कि वॉट वी डिजर्व फाइनली वी आर गेटिंग इट। क्या लगता है सदन के अंदर अगर महिला सांसद की संख्या बढ़ेगी इससे तो उसके बाद महिलाओं के इश्यूज को भी बेहतर तरीके से उठाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कि अगर बात शिक्षा की करें, जो छोटी सी बात है रिजर्वेशन की नहीं, जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक इंडिविजुअल को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे समाज को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो अगर कोई भी फील्ड हो, अगर स्पेसिफिकली यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो ऑफकोर्स वो एक अगर विमेन मेजॉरिटी होंगी तो मुझे ऐसे लगता है अब घर बसाने में औरतों का सबको पता है, तो ऑब्वियसली बात है पॉलिटिक्स में भी अगर विमेन मेजॉरिटी में होंगी तो दैट विल डेफिनेटली लीड्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। महिला पुरुष तो समाज में बराबर है ना, तो फिर हिस्सा किस चीज़ का? अक्सर कहा जा रहा है कि महिलाओं को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, हर जगह रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है चाहे वो एग्ज़ाम हो या फिर कहीं भी हो, तो अब जो ये कानून आ जाता है कि महिलाओं को संसद के भीतर भी रिजर्वेशन दिया जाए तो क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? शायद नहीं, अगर महिला यहाँ पे ये सोच रही है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, महिला खुद ही अपने आप को दिखा रही है कि हम कमज़ोर हैं, ठीक है, तो इस वजह से उसको रिजर्वेशन या कुछ भी मिल रहा है, लेकिन महिला अगर चाहे तो वो खुद ही शक्तिशाली, इतना है उसको कोई अधिकार का कोई ज़रूरत नहीं है बस। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि महिला खुद में इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि उनको कमज़ोर आँख करके उनके लिए रिजर्व करने की सीट ज़रूरत नहीं है, वो अपने दम पर कर सकती है? हाँ कर सकती है ज़रूर। तो कई तरह के कानून आ रहे हैं, कई तरह के सरकार जो योजना भी लाती है, महिला सशक्तिकरण हो गई, बिहार में भी अगर बात की जाए तो कई तरह की जो योजना है वो भी चल रही है, तो इन सबकी ज़रूरत नहीं है? शायद नहीं। क्या लगता है महिला को इतना एजुकेटेड आप कर लो बस, वही इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को डेवलप कर ले? हाँ एजुकेशन ही, मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी चीज़ों। हाँ रिजर्वेशन देना सही है, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है महिलाएं कमज़ोर हैं इससे उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है।
सोसाइटी बहुत ही मेल डोमिनेटिंग है और पुरुषों को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उतनी महिलाओं को नहीं मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो रिजर्वेशन 33% है वो उससे और बढ़ाना चाहिए। रिजर्वेशन मिलता है तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, इसलिए हमारे लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। बट पुरुषों को तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें रिजर्वेशन, मेरे हिसाब से तो हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत है। मतलब 33% जो मिल रहा है उसको बढ़ाना चाहिए। कई जगहों पर ये भी कहा जा रहा है, कई महिलाएं भी ये भी कह रही हैं कि 33% की जगह 50% करना चाहिए, ये ज़रूरी है? 50% करना तो पुरुषों के लिए थोड़ा अन्याय हो जाएगा, बट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहोगे? कई तरह की स्कीम्स चल रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में भी नीतीश सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है महिलाओं को लेकर के। ये एक बड़ा गिफ्ट माना जा रहा है महिलाओं के लिए कि उन्हें रिजर्वेशन संसद के भीतर भी मिलेगा, यानी कि वहाँ पर भी मिलेगा, बाकी जगहों पर तो मिलता ही है। मोदी गवर्नमेंट का क्या ये फैसला सही है? अब सरकार पे तो मेरा यही कहना है कि फैसला तो वो ले लेते हैं, बस इम्प्लीमेंट कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मतलब इसमें भी डाउट है? हाँ, वो चीज़ सही से लागू होगा? हाँ, यदि हम माने तो ये सबसे बड़ा एक क्रांति हो सकती है, अभी के जो वर्तमान सदी है उसकी सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है। आप देख सकते हैं महिलाओं की जो भूमिका होती है पॉलिटिक्स में वो काफ़ी नगण्य बराबर है, मतलब न के बराबर। हमेशा लड़कियों को आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे हमेशा कम आंका जाता है। पर जो माननीय मोदी जी का ये फैसला है वाकई तारीफ करने युक्त है, क्योंकि हमेशा ही महिलाओं को दबाया जाता है। तो ये 33% जो रिजर्वेशन आया वो एक काफ़ी एक अच्छा मैसेज आएगा हमारे समाज में, सोसाइटी में, और महिलाओं के लिए तो स्पेशली वो एक काफ़ी अच्छा मैसेज आएगा। मुझे लगता है कि ये तारीफ योग्य है। क्या लगता है, बिहार में भी अगर बात की जाए तो बिहार सरकार भी कई योजना ऐसी लाती है, एग्ज़ाम्स में भी हमें 33% 35% रिजर्वेशन मिलते हैं, तो इससे कहीं ना महिलाओं को किस तरीके से और मदद मिल सकती है, आगे बढ़ने में किस तरीके से और मदद मिल सकती है? फर्स्टली कि ये जो रिजर्वेशन लाया जा रहा है ये काफ़ी सही है, क्योंकि पहले से ही हम देख सकते हैं जो पहले से भी महिलाओं की स्थिति काफ़ी ही ख़राब रही थी, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो आ रहा है, पॉलिसीज जो आ रही है, वो हमारी महिलाओं को एक सामाजिक स्थिति ऊँचा उठाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं उन्हें या शिक्षा के तौर पे देखें तो आज के जो वर्तमान युग है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। लड़कियां बाहर जा रही है पढ़ने के लिए जा रही है, तो रिजर्वेशन मिलना ये काफ़ी अच्छा है, उनके लिए और सहयोग की बात हो जाती है। मोदी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे देखा जा रहा है कि कैबिनेट की मुहर जैसे ही लगी तो महिलाओं में काफ़ी खुशी, क्योंकि इसको लेकर आंदोलन भी कई हुए हैं पहले, कि बड़ा तोहफा मोदी सरकार ने दिया, वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये रियली तारीफ योग्य है, क्योंकि ये जो आया है रियली हम लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छा, वो उनका जो अभी लाया गया है वो काफ़ी अच्छा है। अगर इस पे काम किया जाए तो महिलाएं काफ़ी अच्छा कर सकती है इसमें, ऐसा नहीं है। महिलाओं को मौका दिया जाए तो हमेशा एक अच्छा करने के लिए वो मानी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाएं अगर इसमें ज़्यादा एक्टिव हो, पॉलिटिक्स में हो, चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र फील्ड में हो, अगर रिजर्वेशन मिल रही है तो उन्हें अच्छा करना चाहिए, और वो अच्छा करेंगी, बेहतर ही करेंगी। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा लाया गया है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका है, मैं मगन महिला कॉलेज काउंसिलर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो महिलाओं का भी यहाँ पर ये कहना है कि बहुत ही अच्छा फैसला है। कुछ लोगों से और जानेंगे, क्या लगता है किस तरीके का फैसला है, कितनी जो सुविधा है वो महिलाओं को इससे मिलेगी और कितनी खुशी हो रही है एक महिला होने के? देखिए, महिला होने के नाते तो खुशी मुझे बहुत हुई जब इस बात हमने देखे, तो बहुत खुशी हुई। और बस मेरे को यही कहना है कि एक महिला का स्थिति का जो महिला का या दयनीय स्थिति है वो महिला अच्छे से उठाएगी संसद में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे लिए, ये तो पहले ही आना चाहिए था, बहुत लेट हो चुका है मेरे हिसाब से। और वो बहुत अच्छा चीज़ है जो आया, ये संसद में आया, और इसको हम ये चाहते हैं कि कानूनी रूप पर ना रखा जाए, इसे वास्तविक में महिलाओं को इतना आने दिया जाए, 33% आना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे, आप भी जानते हैं कि कानून तो बन गया है, संविधान बना है उस समय से, लेकिन वो लागू नहीं है, वो जमीनी स्तर पर नहीं है। ये सबसे बड़ा मेरे को दुख होता है कि जब कानून बना है तो वो इतना दीजिए और महिलाएं आगे आएगी, तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा। देखिए, देश के लिए आज हम लोग जो बोलते हैं कि अमेरिका इतना डेवलप हो गया है, इसके पीछे का रीजन ये है, अमेरिका में कभी भी महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा गया। जब से आज़ादी मिला है मेल यही सोचते आ रहा है कि हम देश को आगे ले जाएंगे, वोमेंस को छोड़ के कभी नहीं आगे जा सकता है देश, और देश को आगे बढ़ाने के लिए बराबरी का योगदान होना चाहिए। जैसा कि आप भी जानते हैं, इंदिरा गांधी ने कितना बोल्ड एक्शन लेते थे, पाकिस्तान के नक्शा बदलने वाली महिला है, तो हम चाहते हैं कि नहीं, वोमेंस को मिले राइट्स और वोमेंस अच्छे से आवाज़ उठाएगी।
तो मेरे को बहुत खुशी मतलब हुई। आपका ये कहना है कि अगर सदन के भीतर महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी तो महिलाओं के मुद्दे को अच्छे से और उठाया जाएगा। हाँ, मेरा ये कहना है कि और अच्छे से उठाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, लागू किया जाएगा, उस जो कुछ बिल पास होगा उसको जेन्युइन स्तर पर काम किया जाएगा, तो मेरे को ज्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।